स्वागत है आप सभी का तीसरी कक्षा के लर्निंग हिंदी लाइफ की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम लोग रिमझिम से करेंगे पाठ 12, जब मुझे सांप ने काटा, पृष्ठ संख्या 103। ठीक है, पाठ 12, जब मुझे सांप ने काटा, ठीक है, पृष्ठ संख्या 103, ठीक है, निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 103। सभी निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 103, मुझे दिखाइए आप सभी ने पृष्ठ संख्या 103 निकाला है या नहीं। आप सभी ने निकाले हैं पृष्ठ संख्या 103। जल्दी से निकालिए 103 और मुझे दिखाइए। ओके, वेरी गुड दक्षा। और सारे बच्चे फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए, तब तो मैं देखूंगी आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं। सारे बच्चे फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं पाठ 12, जब मुझको, ठीक है, जब मुझको सांप ने काटा, ठीक है, यहाँ मुझको होगा, मुझे नहीं, मुझको, जब मुझको, जब मुझको सांप ने काटा। तो सभी बच्चों ने सांप तो देखा ही होगा, है ना, सारे बच्चे सांप तो देखे ही होंगे, वो चाहे आप लोगों ने चिड़ियाघरों में देखा हो या फिर अपने आसपास किसी झाड़ी में या किसी जंगल में या फिर टेलीविज़न में, है ना, सभी बच्चों ने सांप तो देखा ही होगा। बिल्कुल, यस। तो जब मुझको सांप ने काटा, ठीक है, तो आज ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से अपनी पुस्तक देखिए। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। तो बच्चों, सांप क्या करता है, रेंगता है, है ना, क्योंकि सांप के तो पैर नहीं होते हैं, सांप के पैर नहीं होते, इसलिए सांप रेंगता है। बिल्कुल, हाँ ना, सांप क्या करता है, रेंगता है, वो चलता नहीं, रेंगता है। वेरी गुड। तो वो धीरे धीरे रेंग रहा था। तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने अहाते यानी अपने आंगन, जो घर के बाहर का जो जगह होता है उसे आंगन कहा जाता है, उस अहाते में उसने सांप को रेंगते देखा, ठीक है, वो धीरे धीरे रेंग रहा था। तो बच्चों, हम लोग भी कभी कभी सांप को देखते हैं रेंगते हुए, उसको देखते ही हम लोग डर जाते हैं, है ना, डर जाते हैं सांप को देखते ही। तो इस छोटे से बच्चे ने भी सांप को रेंगते हुए देखा, वो धीरे धीरे रेंग रहा था, वो जल्दी जल्दी में रेंग नहीं रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था, रेंग रहा था, ठीक है। मुझको देखते ही वो भागा
और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। जैसे ही सांप ने उस बच्चे को देखा, ठीक है, जैसे अच्छा अनुष्का ने देखा है सांप खेल, अच्छा बहुत अच्छे, तो जैसे ही सांप ने उस बच्चे को देखा वो सांप क्या किया, एक नारियल के खोल में जाकर छिप गया। ठीक है, नारियल का खोल, जब नारियल का पानी जो हो जिसे हम लोग डाब भी कहते हैं, तो उस नारियल के जब पानी को पी लिया जाता है उसका एक खोल होता है। ठीक है, मतलब अच्छा स्नेहंजना ने सांप देखा है, अच्छा तो उस नारियल के खोल में वो सांप जाकर छिप जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद, मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। फिर उस बच्चे ने क्या किया, जैसे ही देखिए चित्र में है, जैसे ही सांप नारियल के खोल में चला गया, छिप गया, तो उस बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और नारियल के मुंह को बंद कर दिया। ठीक है, उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। फिर उसे उसने उठाया नारियल के खोल को जिसमें सांप छिपा हुआ था, और उसे उठाकर वो कहाँ चला गया, नानी के पास। ठीक है, वो अपने नानी के पास चला गया। ठीक है, अच्छा दक्षा ने भी सांप देखा है, अच्छा चलिए अच्छी बात है। अब आइए पृष्ठ संख्या 104, पृष्ठ संख्या 104, सभी बच्चे दिखाइए 104 पृष्ठ संख्या। ओके, वेरी गुड स्नेहंजना, कृतिका, सारे बच्चे दिखाइए, आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं, सिर्फ सुन रहे हैं। पृष्ठ संख्या 104, वेरी गुड दक्षा एंड दीक्षा। चलिए, मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। तो उस बच्चे ने अपने नानी को दिखाया उस नारियल के खोल को और बोला, देखो मैंने सांप पकड़ा है। ठीक है, नानी चीख उठी, सांप, नानी चौंक गई, चीख उठी यानी चिल्लाई, सांप यानी वो डर गई, उसकी उस छोटे से बच्चे की नानी डर गई। अच्छा, नसरीन ने अपने गार्डन में सांप देखा, अच्छा तो नानी को जैसे ही उस बच्चे ने सांप दिखाया नानी डर गई और चीख के चिल्लाकर बोली, सांप, वो इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, और वो इतना डर गई उस छोटे से बच्चे की नानी, तो क्या हुआ, वो इतना डर गई कि वो लगी चीखने पुकारने, ठीक है, चिल्लाने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए, जैसे ही उस बच्चे के नाना ने सुना नानी की आवाज़ तो वो दौड़कर आए। ठीक है, जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। ठीक है, जैसे ही बच्चे के नाना जी को मालूम हुआ कि उस नारियल के खोल में सांप है, तो क्या किया नाना जी ने, उसके हाथ से वो नारियल का खोल लिया और उसे फेंक दिया। ठीक है, नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब, जैसे ही नाना जी ने उस नारियल के खोल को फेंका तो छोटा
Everyone mute your microphone. Mute your microphone. ठीक है, तो फिर जैसे ही नाना जी ने नारियल के खोल को फेंका तो वो जो सांप का छोटा सा नन्हा सा बच्चा था वो रेंगते हुए दूर झाड़ी में जाकर छिप गया। ठीक है, पास की झाड़ी में गायब हो गया, यानी पास की झाड़ी जो झाड़ी थी पास में वहां चला गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। है बच्चों, सांप तो बहुत खतरनाक होता है, क्यों खतरनाक होता है? अनुष्का म्यूट योर माइक्रोफोन, म्यूट, आवाज हो रही है ना? अनुष्का कुमारी म्यूट योर माइक्रोफोन। सांप जहरीला होता है ना, इसलिए वो बहुत ही खतरनाक होता है। जहरीला यानी उसके दांतों में जहर रहता है, ठीक है, जिसे काटने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो उस छोटे से बच्चे के नाना ने उससे कहा कि खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक का अर्थ क्या है बच्चों? खतरनाक का अर्थ क्या होता है? खतरनाक यानी हानिकारक है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे भी सांप के पास तो नहीं जाते होंगे उन्हें देखने के बाद, है ना, क्योंकि सांप तो बहुत खतरनाक होता है। अब आइए पृष्ठ संख्या 105, पृष्ठ संख्या 105। यस, चलिए देखिए उसकी इस पृष्ठ की सबसे ऊपर वाली अंश को देखिए। उसी दिन शाम को मैं एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। ठीक है, बड़ी जोर से दर्द उठा। ठीक है, बर क्या है? एक प्रकार का कीड़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ? उसी दिन शाम को, मतलब जिस दिन उसने सांप को पकड़ा था, उस बच्चे ने सांप को पकड़ा था, उसी दिन क्या हुआ? उसी दिन शाम को उसने एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया, तभी उस बर ने, उस कीड़े ने उसे काट लिया, उस बच्चे को। बड़ी जोर से दर्द उठा, फिर उसे जैसे ही काटा बर ने तो उसे बहुत ही दर्द हुआ बच्चे को। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। तो उसकी नानी ने क्या सोच लिया? जब उसे दर्द हो रहा था, वह कराहते यानी चिल्ला रहा था, तब उसकी नानी ने सोचा कि उसे बर ने नहीं काटा, उसे सांप ने काट लिया। ठीक है, मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई, उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। फिर वो दौड़ के गया बच्चा, नानी को अपनी उंगली दिखाया जहाँ पर बर ने काटा था, तो उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। ठीक है, नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। ठीक है, जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। ठीक है, वो चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। जहाँ बर ने काटा था उसकी उंगली पर, उस बच्चे की उंगली पर, वहाँ पर एक नीला निशान हो गया था। ठीक है, तो
उन्होंने क्या किया, नाना जी ने वो चट मुझे यानी जल्दी से बच्चे को गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वो अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके, यानी वो बहुत दूर भागे, ठीक है, और जाकर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, ठीक है, वहाँ पर वो पहुँचे और आवाज़ लगाई यानी पुकारा, ठीक है। तो इस प्रकार से बर ने उस बच्चे को काटा था, परंतु उनके नाना नानी ने क्या सोचा, किसने काटा, सांप ने, बहुत अच्छे। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग अगली कक्षा में करेंगे पृष्ठ संख्या 106, ठीक है, चलिए।